उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के रामपुर मेमन गांव का है, जहां राशन डीलर की दबंगई व धांधली से परेशान ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थाने के बाहर प्रदर्शन कर दबंग राशन डीलर की शिकायत पुलिस से की। ग्रामीण राशन डीलर की कार्यप्रणाली से बेहद परेशान है। आरोप है कि राशन डीलर वितरण में धांधली करता है और समय पर राशन नहीं देता है। यही नहीं, यदि कोई विरोध करता है तो राशन डीलर उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। ग्रामीणों ने राशन डीलर से तंग आकर थाने पहुंचकर प्रदर्शन कर विरोध जताया, साथ ही थानाध्यक्ष से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। मामले के संबंध में जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया, हमारे गांव का जो राशन डीलर है विजयपाल सिंह, उसने पात्र लोगों के जो भूमिहीन है उनके भूमिहीनों के कार्ड कटवा के और जो हमारा सचिव है और सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलकर उसने अपात्र लोगों की जिन पर 30 बीघा जमीन है, ट्रैक्टर है, 10 ट्रेलर गाड़ियों के, उन्हें कार्ड जोड़ के ताकि वो लेने आते हैं उसे बचता रहेगा। उन्हें उनके 71 लोगों के कार्ड जो पात्र लोग कार्ड दिए और अपात्र को जोड़ दिए। अच्छा, राशन बांट रहे हैं और राशन जो तेल तो बांटता नहीं है और राशन जो लेने जाता है उसे गाड़ी देता है और जो मौजूदा हालत में जो कार्ड है उनको राशन नहीं। वहीं जब इस मामले के संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना था, कार्ड धारक जब राशन लेने जाते हैं कि मैं डीलर हूँ, डीलर ही रहूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कहीं भी जाकर मेरी शिकायत कर दो, मुझे अपने पद से नहीं हटा सकते। और जनता इधर घटरोज करता है, 3 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उन्हें राशन देता है। यहाँ थाने में क्या करना है, पुलिस से शिकायत करना है क्या? हाँ, पुलिस से ये कहते हैं, आप पुलिस से शिकायत करो या किसी को शिकायत करो, आप मुझे राशन, डीलर हूँ, डीलर ही रहूँगा। आप इन्हें शिकायत करना है जो उसके डीलर,